अस्सलाम वालेकुम सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8 से पाठ क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ये आखिरी भाग है इस पाठ का। अब तक जितने भी भाग आपने देखे उसमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखवा दिए, उसमें आपको भावार्थ समझा दिया। आखिरी दो या तीन भाग में आपको हर पंक्ति को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया। आखिरी वाले भाग में मैंने कहा था कि लेखक को दो ऐसे अनुभव होते हैं अपने जीवन में कि जिस अनुभव के द्वारा उन्हें लगता है कि जीवन में अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी समाज में, देश में, दुनिया में अच्छाई जीवंत है, अच्छे लोग बचे हुए हैं जिनका आदर्श सच्चाई है, ईमानदारी है, अच्छाई है। तो ऐसे दो प्रसंग लेखक अपने जीवन के कहते हैं कि एक बार मैं अपने तीन बच्चों पत्नी के समेत कहीं प्रवास करने जा रहा था रेलवे में, तो जल्दबाजी में एक टिकट खरीदने के लिए, टिकट का मूल्य था 10 रुपये और जल्दबाजी में वो 100 रुपये की नोट ले आते हैं, पर उन्हें ख्याल नहीं रहता, वो आके सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ जाते हैं। अब सेकंड क्लास के डब्बे में बैठना, मुसाफरी करना, वो आप देख चुके हैं, अनुभव भी कर चुके होंगे। तो इस हड़बड़ी में उन्हें वो ख्याल नहीं रहता है तो वो 10 की जगह 100 का नोट दे आए। और इतनी देर में जैसे जैसे वो सेकंड क्लास के डब्बे में अपना स्थान लेते हैं, अचानक से वो टिकट कलेक्टर आ जाता है, वो चेहरे धुंधला है, अचानक से लेखक पर नजर पड़ती है और कहता है ये लीजिए आपके 90 रुपये, आपने 100 रुपये दिए थे, ना मैंने देखे ना आपने देखे। और उस समय उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी नजर आती है कि मैंने उनके पैसे लौटा दिए। ये पहला प्रसंग। दूसरा प्रसंग कि लेखक शाम के समय गंतव्य स्थान पर जा रहे थे, रात के 10 बजने को आए थे, अंधेरा हो गया था, सुनसान जंगल था। अब गंतव्य स्थान से थोड़ी ही दूरी पर जंगल, गिराने में बियाबान जंगल, जहाँ आसपास कोई बस्ती ना हो, वहाँ उनकी बस बिगड़ जाती है। उनके साथ उनके बच्चे हैं, छोटा बच्चा रो रहा है भूख से। कंडक्टर साइकिल लेकर मदद के लिए जाता है, पर इधर वो जगह ऐसी है कि जहाँ आगे लोगों को लूटा गया है, बसों को लूटा गया है, तो लोग आपस में अफवाहें गर्म करते हैं, अफवाहें तो और बढ़ती जाती है। लोग तय करते हैं अपने आप ही कि कंडक्टर इन डाकुओं से मिला हुआ है, वो डाकुओं को लेने गया है, डाकुओं को लेकर आएगा, हमें लूट कर मार दिया जाएगा, और ड्राइवर भी उसमें शामिल। लोग ड्राइवर को पकड़ते हैं और उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। ड्राइवर बहुत करुण नजरों से लेखक की तरफ देखता है और कहता है मुख भाषा में, अपनी आंखों की भाषा में, तो मुझे इनसे बचाइए, आप तो समझदार लगते हैं। लेखक प्रयत्न करते हैं, सबको समझाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, वाकई में कंडक्टर मदद देने गया, पर फिर भी लेखक की हर एक बात नहीं मानी जाती है, पर फिर भी इतना माना जाता है कि ड्राइवर को मारा नहीं जाता है, पर उसे दबोच के रखा जाता है कि अगर कुछ होता है तो सबसे पहले इसका राम नाम सत्य कर देंगे, इसे मार देंगे। थोड़ी देर के बाद एक नई बस लेकर कंडक्टर आता है नजदीक के डेपो में से और सबको कहता है कि आप ये बस खाली करके इस बस में आ जाइए, और साथ में एक लोटे में दूध ले आता है और लेखक को कहता है कि पंडित जी मैंने जाते हुए देखा था कि आपके बच्चा भूख के वजह से रो रहा था, तो नजदीक में दूध मिल रहा था तो आपके बेटे की वजह से ले आया। तब इन दो प्रसंगों के द्वारा लेखक ये तय करते कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो निराश होने जैसा है। भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, दगाबाजी है, एक दूसरे को नफरत की भावना फैलाई जा रही है, लोग हर एक बात में बट गए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, लोग आज भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं,
लोगों को पैसा और पैसा चाहिए। परिणाम क्या होता है, जो भारतीय संस्कृति थी, जो भाईचारा था, एक दूसरे को मदद करने की जो होड़ लगी रहती थी, वो आज बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये पाठ का शीर्षक है कि क्या निराश हुआ जाए। लेखक खुद से और आप सबसे पूछना चाहता है, और उसका जवाब भी वो खुद ही देता है इन दो उदाहरणों के द्वारा, कि आज भी ऐसे अच्छे लोग हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। तो अगर जब तक दुनिया में, देश में, अपने आसपास ऐसे अच्छे लोग रहेंगे, तब तक हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, इंसानियत टिकी रहेगी। ये थे किताब के दो उदाहरण। ऐसा ही एक उदाहरण अभी ये जो क्वारंटाइन माहौल में, महामारी के माहौल में लोग, तो हम जैसे बात कर रहे थे आगे जितने भी भागों में, दुनिया में सबसे सर्वोपरि है वो धर्म के नाम को देखकर या किसी भी बात को लेकर इंसानियत सबसे बड़ी बात है। तो जब तक इंसानियत है, ऐसे अच्छे लोग हैं, तब तक ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। यहाँ लेखक के द्वारा दो उदाहरण दिए जाए हैं, वैसा ही एक उदाहरण दूध को लेकर, एक माँ अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में अपने यूपी बिहार या कहीं जा रही थी, तो बच्चा भूख से तिलमिला रहा था, छोटा था, और अब ट्रेन मुसाफरी से भरी पड़ी थी। आपने महामारी के टाइम में देखा परिस्थिति क्या थी, बस से बदतर थी। एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है, तो वो कुछ नहीं स्टेशन के बाहर दौड़ जाता है दूध की तलाश में। अभी किस्सा है अभी का, दो मंथ पहले का। जब वो कहीं से दूध का इंतजाम करके आता है, तो देखता है तो ट्रेन तो चल पड़ी। अपनी सारी हिम्मत, सारी ताकत लगाकर वो दौड़ पड़ता है, उस डब्बे तक पहुंच जाता है जहां वो बच्ची रो रही है। उस माँ को वो दूध थमा देता है। अब ये बात सामने नहीं आती, पर उस माँ ने अगले स्टेशन पर जहां रोका गया, जहां न्यूज चैनल वाले होंगे, वहां ये बात कही, ये किस्सा कहा। फिर न्यूज चैनल वालों ने इसे खरोदा अपने तरीके से, तो सीसीटीवी कैमरे में आया वो पुलिस वाला दौड़ता हुआ, अपनी जान दांव पे लगाकर दूध पहुंचाता हुआ। तो ऐसे जितने भी इंसानियत के किस्से भरे पड़े, आपने देखा कि क्वारंटाइन माहौल में जितने भी मजदूर वर्ग चल के जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, प्राइवेट व्हीकल में जा रहे थे, उन सब का खाना पीना पहुँचाना, एक अभिनेता है सोनू सूद, उसने जितने भी हो सके उतने लोगों को पहुंचाया अपने वतन, अपने घर। मानवता यहाँ महकती है, कि उसके सिवा भी बहुत सारे सफल कलाकार हैं, उससे भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, पर उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी, वो उस परिस्थिति से गुजरा था, इसलिए उसने तब तक मदद की जब तक आखिरी मजदूर पहुँच नहीं गया। अभी भी उनका काम चालू है, जो धन्यवाद के पात्र है। रास्ते पर कई युवा लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए, कोरोना के डर की परवाह न करते हुए लोगों को खाना पीना मुहैया करवा रहे थे, कोई पैसे की मदद कर रहा था। तो ये जितने भी लोग हैं, जाने अनजाने, जिनके हम नाम जानते हैं, जिनके नहीं भी जानते, इन सब ने कोई भी रिश्ता न होते हुए भी, ना वो नेता होते हुए भी लोगों की मदद। इसका मतलब कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। जैसे लेखक पाठ में हमें ये समझाना चाहते हैं कि भारत का कल्चर यही है, संग्रह वृत्ति वाला कल्चर नहीं है, भौतिक सुख सुविधा वाला कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर था लोगों की मदद करना, दूसरे के दुख में खड़ा होना, प्रेम, भाईचारा, सेवा, यही हमारा कल्चर था। वो आज भी लोगों के अंदर देखने को मिलता है। देश में भ्रष्टाचार है, देश में बेकारी है, देश में चोरी चकारी है, दगाबाजी है, बहुत बड़े बड़े कौभांड होते हैं, कांड होते हैं, फ्रॉड होते हैं, तब भी छोटे पैमाने पर इंसानियत महक होती है। बीच में मैंने एक किस्सा सुना कि एक रिक्शा ड्राइवर को एक बैग मिली, उसमें सोना सब कुछ था। उसने देखा कि ये किसी की शादी का सामान है। वो उस पते पर पहुँचता है तो माँ अपनी बेटी जिसकी बारात आने वाली है दो दिन में, उसका सामान, अगर सोचे उस माँ की क्या हालत रही होगी। पर रिक्शा वाले ने किसी भी लालच में आना आकर वो सारा सामान वहाँ पहुँचा दिया। तो आप सोच सकते हो रिक्शा वाले
अगर वो रख लेता तो कितना पैसा उसे मिलता, पर उसे हराम का पैसा नहीं चाहिए। तो एक आम इंसान, एक रिक्शा वाला, सामान्य निम्न मध्यम वर्ग का इंसान अगर अपनी ईमानदारी पर, अपने जमीर पर पक्का है, तो ये तय है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और निराश होने की जरूरत नहीं है। इस पाठ से हमें ये सीखना है, बस दो पंक्तियों में मैं कहता हूं, कि आसपास चाहे कितनी भी बुराई हो, उस बुराई में आप अच्छाई ढूंढिए और उस अच्छाई को ध्यान में रखकर उससे कुछ सीखकर आप भी उनके जैसा अच्छा बनने का प्रयत्न करें। आज ये पाठ इस भाग के साथ समाप्त होता है। और फिर भी इस पाठ में कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो, तो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं फिर से दोबारा इसे एक्सप्लेन करता हुआ, भावार्थ या उसे कुछ भी जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देता हुआ वीडियो फिर से मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।